आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत का कहना है कि कश्मीर में चोटी के बहाने कुछ लोग आर्मी और आम जनता को टारगेट बना रहे हैं। चोटी कांड देश के लिए बाकी शहरों में भी हो चुका है, लेकिन कश्मीर में इसकी आड़ आतंकवाद समर्थक ले रहे हैं। घाटी में बीते 2 महीने में चोटी काटने की 100 से ज्यादा अफवाह और सुरक्षा कर्मियों एवं आम जन से मारपीट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं आज इसी मामले में अलगाववादियों ने बंद का ऐलान किया। बंद को देखते हुए कई इलाकों में फोर्स तैनात की गई। श्रीनगर समेत कश्मीर के 7 इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक ने बंद का आह्वान किया था। बंद के चलते कई इलाकों में स्कूल, कॉलेज, बाजार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहा। सुरक्षा कारणों से घाटी की सभी ट्रेनों का संचालन भी ठप रहा। पिछले 4 दिनों के अंदर चोटी काटने की अफवाहों के चलते सोपोर में एक शख्स को जिंदा जलाने और दूसरे को डल झील में डुबोने की कोशिश की गई। इसके अलावा कई लोगों से मारपीट की घटनाएं हुई। सेना के जवानों पर हमले की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इन पर चोटी काटने में लिप्त होने के आरोप लगाए गए। आर्मी चीफ का मानना है कि इस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।